हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डिजिशाला जेई नीट। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एनटीए अभ्यास टेस्ट वन के पार्ट वन को डिस्कस किया था। आज के क्लास के अंदर हम लोग पार्ट टू को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले क्लास में समझाया हुआ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, या आप किसी भी माध्यम से मेरे तक उस क्वेरी को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे बारे में थोड़ा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आपसे रिलेटेड जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो व्हाट्सएप नंबर है, जो ईमेल आईडी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हालांकि ये सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को, इस इनिशिएटिव को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो काइंडली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हम लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर करते हैं। सो उसके रिगार्डिंग आपको अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन आप वहां से गैदर कर सकते हैं। सो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास के अंदर हम लोग 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए थे, आज हम लोग थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, जरा उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर N2 दिया हुआ है, 3H2 दिया हुआ है, 2NH3 दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर गैस जो है वो स्टेट लिखना भूल गया है। तो यहां पर आप लिख लीजिए गैस है ये, यहां पर ये भी आपका गैस है और ये भी आपका गैस है। हमको पता है ना कि नाइट्रोजन एक गैस होता है, हाइड्रोजन एक गैस होता है और अमोनिया एक गैस होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस डेटा पे फोकस करेंगे। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि N2 का 1 मोल हमारे पास है, H2 का 4 मोल यहाँ पर लिया गया है और दोनों को एक बर्तन में लिया गया है। और बर्तन कितने का है, तो 15 लीटर का बर्तन है। टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब बोलता है कि पहले आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ क्या, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना है। जब हम दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया बनेगा। तो बोलता है कि जब ये पूरा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद 5 लीटर पानी उसके अंदर ऐड कर दिया गया। और इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि प्रेशर सेटअप इन द फ्लास्क, बोलता है कि आखिर बताइए कि इस प्रोसेस के बाद कितना प्रेशर सेटअप होता है फ्लास्क के अंदर, ये बताना है। उस बर्तन के अंदर कितना प्रेशर हमको सेटअप होगा वो बताना है। तो और बोलता क्या है कि अज्यूम कीजिए कि वाटर डिजॉल्व्स अमोनिया। आप देखिए, यहाँ पे मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन जब भी आपको कुछ बोले अगर, तो आपको ये उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन बोला है कि अज्यूम करना है तो क्वेश्चन को अज्यूम कर लेना है। वो कुछ भी बोलेगा तो अज्यूम कर लेना है, उसको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर क्वेश्चन है क्वेश्चन। इसका मतलब कि कभी सवाल पे सवाल खड़ा नहीं करना है। सवाल अगर दे रहा है, उसमें कोई चीज लिखा हुआ है, तो आपको मानना है कि वैसा ही होना है। अब क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप समझिए क्या करना है। आप समझ चुके होंगे प्रेशर निकालना है, गैस का है। तो आपको बहुत ही वर्ल्ड फेमस जो फॉर्मूला होता है, सबको पता होता है कि गैस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो PV=nRT लगाते हैं। तो PV=nRT लगाकर यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि PV=nRT में जो हमारा प्रेशर है वो निकालना है, तो हमें उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन के बाद कितना मोल बच गया है फ्लास्क के अंदर, मतलब उस बर्तन के अंदर कितना मोल बच गया है। क्योंकि वॉल्यूम वगैरह का डेटा है, टेम्परेचर का डेटा है, आर का वैल्यू हमको पता होता है। तो कहने का मतलब कि रिएक्शन कराने के बाद आपको सिर्फ ये पता कर लेना है कि आखिर किस गैस का कितना मोल बचा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि रिएक्शन आपको लिखा हुआ है, तो जो रिएक्शन लिखेगा और जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार आपको रिएक्शन करा लेना है। तो यहाँ पे लेंगे T=0। T=0 का मतलब होता है जहां पे रिएक्शन स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन में गिवेन होता है। तो इसका 1 मोल है, इसका 4 मोल दिया हुआ है। अब हम यहाँ लिखेंगे T completion, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, कुछ समय के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा मोल कंसेप्ट को याद करेंगे, बहुत बेसिक मोल कंसेप्ट, कि अगर इसका 1 मोल खर्च होगा तो उसके साथ इसका 3 मोल खर्च होगा, और ये दोनों ऐसा मिलेगा तो इसका कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब जरा सोचिए, इसका यहाँ पर कितना मोल है बताइए, 1 मोल। इसका कितना मोल है, 4 मोल। अब देखिए, इसके 1 मोल के लिए इसका 3 मोल खर्च होना है और टोटल मोल है 4। तो अगर ये 1 मोल पूरा खर्च हो गया तो बचा कितना, 0 मोल।
इसका 4 मोल था, 3 मोल खर्च हो गया, तो बचा कितना, 1 मोल बचेगा। हम लोग कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 3, ये बहुत ही हम समझ सकते हैं इजी कैलकुलेशन, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब सोचिए जब ये दोनों मिलेगा, इसका 1 मोल इसका 3 मोल मिलेगा तो क्या बनेगा, तो इसका 2 मोल बनेगा। तो इतना समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है यहाँ पर, ये भाई इसका 1 मोल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो हमारा एक बर्तन था कितने लीटर का, 15 लीटर का, उस 15 लीटर के अंदर क्या है हमारे पास, 2 गैस है। एक गैस है आपका कौन सा बताइए, देखिए ये तो खत्म हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि 1 मोल था पूरा खर्च हो गया, 0 मोल बचा। अब यहाँ पे बच गया हाइड्रोजन गैस, कितना बचा, 1 मोल बचा। और ये चूंकि अमोनिया भी क्या है, गैस है, और चूंकि ये बर्तन के अंदर रहेगा तो ये भी अपना प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पर कितना मोल है इसका, तो ये अमोनिया गैस है और इस अमोनिया का यहाँ पर 2 मोल बच गया। लेकिन क्वेश्चन में एक बात लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन बोलता है कि रिएक्शन जब हो गया तो 5 लीटर पानी डाल दिया गया, और इस पानी का रोल क्या है उसको जरा सा समझना पड़ेगा। देखिए ये जो वाटर है ना, बोलता है कि वाटर जो है इस अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। तो अगर वाटर नहीं होता तो हम कितने मोल के लिए सॉल्व कर रहे होते, पीवी इक्वल टू एनआरटी कितने मोल के लिए लगाते, तो 1 मोल इसका और 2 मोल इसका, मतलब 3 मोल के लिए हम लोगों को प्रेशर निकालना होता। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि बहुत आसानी से बच्चे गलत कर सकते हैं, जो ए वाला ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 3 मोल नहीं है यहाँ पर, हमारे पास 1 मोल ही है। तो उसको पहले समझना पड़ेगा कि ये देखिए जो वाटर डाला गया है, वाटर जो यहाँ पे डाला गया है, कितना लीटर डाला गया है वाटर, तो वाटर डाला गया है 5 लीटर। तो अब जरा समझिए कि ये जो 5 लीटर पानी है वो क्या कर रहा है, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब डिजोल्व कर लिया। तो जो अमोनिया यहाँ पे पहले था वो अब पानी के अंदर डिजोल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब अमोनिया ऊपर के पास नहीं रहा, अब ऊपर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही गैस बच गया, जो कि कौन सा है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का कितना मोल बच गया, तो 1 मोल बच गया। लेकिन एक चीज और नोट करने वाली बात है कि पहले इस बर्तन का जो वॉल्यूम था वो कितना था, 15 लीटर। अब सोचिए 15 लीटर के बर्तन में अगर 5 लीटर पानी डाल दिया गया, तो कहने का मतलब कि जो नेट आपका जो वॉल्यूम हो गया वो कितना लीटर बच गया, 10 लीटर बच गया। तो अब हमको यहाँ पर PV इक्वल टू NRT लगा देना है, और P के जगह पे हमको प्रेशर निकालना होगा। वॉल्यूम कितना लेंगे, 10। क्यों लेंगे 10, क्योंकि गैस कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अब देखिए ध्यान से, पहले 15 लीटर था, 5 लीटर पानी यहाँ से डाल दिया गया, तो जो नेट वॉल्यूम जो बचा गैस के लिए वो मात्र कितना बचा, 10 लीटर ही बचा है। तो हम यहाँ पे 10 लीटर लिख देंगे, और N का वैल्यू यहाँ पर 3 ना लेते हुए सिर्फ कौन सा लेंगे, हाइड्रोजन वाला लेंगे। और हाइड्रोजन वाला कितना मोल है बताइए, तो हाइड्रोजन का मोल है 1, और हमें पता है कि R का वैल्यू हम लोग लेते हैं 0.0821 ले लेंगे, और टेम्परेचर कितना ले लेंगे, तो वो 27 डिग्री, और 27 डिग्री को हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, तो इसको 300 से यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इससे हमारा प्रेशर निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपको ये वाला ऑप्शन बहुत आराम से निकलता हुआ मिल जाएगा। सो ये आपका हो गया, मतलब यहाँ पर फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए कि N2 और H2 को मिलाया गया, अमोनिया बन रहा है, तो जो N2 था वो पूरा कन्वर्ट हो गया, तो जो N2 पूरा कन्वर्ट हो गया वो पूरा खत्म हो गया, और जो खत्म हो गया वो तो प्रेशर लगाएगा नहीं, प्रेशर कौन लगाएगा, जो बचा हुआ है। तो बचा हुआ में 2 गैस था, एक था हाइड्रोजन एक था अमोनिया, लेकिन पानी डालने से अमोनिया डिजोल्व हो गया, और अमोनिया जब डिजोल्व हो गया तो इसका मतलब कि अब एक ही गैस बचा, लेकिन वो गैस अब पूरे बर्तन में अकुपाई नहीं है, वो गैस के लिए मात्र अब 10 लीटर का वॉल्यूम ही बचा रह गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक्स अप्लाई करते हुए आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन 4 का आंसर डी आ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, Fe है सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन है, 4H+ है, Fe2+ है, और H2O लिक्विड दिया हुआ है। ये राइट साइड में है, ये यहाँ पर रिएक्शन आगे की तरफ ना लिखकर यहाँ पे है, तो इसको आप ऐसा माने कि प्लस में 2H2O है और ये लिक्विड दिया हुआ है ना, आप इसको दिमाग में रखेंगे। बोलता है कि E सेल इक्वल टू E0 सेल है, कहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो बोलता है Fe2+ का कंसंट्रेशन इतना है, प्रेशर इतना है, और pH x है, तो बताना है x का वैल्यू क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमको यहाँ पे क्या लगाना है, तो नर्स्ट इक्वेशन लगाना है। ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट लेक्चर चल रहा है, उसमें मैंने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा दिया है, वो आप आराम से देख सकते हैं।
आपको प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप उसमें नर्स्ट इक्वेशन को जाके वहां से स्टडी कर सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नर्स्ट इक्वेशन को हमको यहाँ पे लगाना है और हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। सो कैसे लगा सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन, तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में, चूंकि 25 डिग्री मेंशन किया है तो हम लोग लिखेंगे 0.0591 बाई, यहां पे हम लोग एन का वैल्यू निकालेंगे देखते हैं, और यहां लिख देंगे लॉग क्यू। क्यू को क्या बोलते हैं, तो क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। और कैसे निकलता है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेंगे, उसका जितना कोफिशियंट होगा पावर बैठाएंगे, और बटा में रिएक्टेंट का कोफिशियंट लेंगे और उसका पावर बैठाएंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई, जितना प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर गैस होगा तो आपको पता है कि गैस के कंसंट्रेशन के जगह पर हम लोग उसका प्रेशर ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। अब जरा देखिए क्या है, क्वेश्चन में बोलता है कि ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के बराबर है, इसका मतलब ये और ये तो कट गया ना, ये कट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर ये और ये कट गया, तो ये पूरा का पूरा ये जो वैल्यू हो गया, ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो गया। आप समझिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज है ना, ये इधर जाके माइनस हो गया तो इधर जीरो बचा, तो राइट लेफ्ट में जीरो है तो राइट में भी क्या होगा, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए आप इसको फिर से देखिए एक बार कि जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला चीज तो एक कॉन्स्टेंट है, ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो तो कभी भी आपका इन्फाइनाइट नहीं होगा ना, जीरो होने के लिए इन्फाइनाइट होना पड़ेगा, तो ये वाला तो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि लॉग क्यू जो है वो जीरो हो गया, और आपको यहां से लिख देना है कि लॉग क्यू बराबर जीरो। और बताइए लॉग जीरो कब होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, लॉग क्यू जीरो होता है जब क्यू का वैल्यू वन होता है, वेरी इजी है ना। मुझे पता है कि लॉग के बारे में आपको आइडिया होगा कि लॉग में जब लॉग वन को हम जीरो बोलते हैं तो क्यू का वैल्यू कितना, वन। और क्यू को कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, क्यू कितना लिखेंगे देखिए, तो हम लोग लिखेंगे Fe2+ का कंसंट्रेशन और उसका पावर में कितना, 2। वाटर लिक्विड है, इग्नोर कर देंगे इसको, लिक्विड और सॉलिड्स को नहीं लेते हैं एक्वस कंडीशंस के अंदर, तो यहां पर क्या हो गया ये वाला आ जाएगा, फिर बटा में क्या हो जाएगा, ये सॉलिड है इसको इग्नोर कर देंगे, ऑक्सीजन का प्रेशर ले लेंगे और H+ का कंसंट्रेशन का पावर में कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। सो हम लोग यहां पर Q के वैल्यू को लिखेंगे, तो लिखेंगे Fe2+ का कंसंट्रेशन का पावर में कितना, 2, बटा में क्या करेंगे प्रेशर ऑफ O2। गैस के लिए प्रेशर ले लेते हैं, बाकी आयंस के लिए कंसंट्रेशन, और यहां पर H+ का पावर में कितना ले लेंगे, 4 है ना, ये कर लेंगे। अब यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, जरा सा देखिए वैल्यू कितना है, Fe2+ का दिया है 10^-3, इसका दिया है आपका ये 0.01, इसका यहां पर H+ का नहीं पता तो निकाल लेंगे, तो कितना हो गया 10^ यहां पर -3 हो गया, पावर में यहां पे 2 हो गया, बटा में ये 0.01 को क्या लिख सकते हैं, 10^-2, और ये हो गया आपका H+ है ना, और पावर में कितना हो गया, 4 हो गया, तो और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर, तो ये 10^-6 कितना हो जाएगा, 6, और ये -2 तो जाएगा ऊपर, तो 10^-4 हो जाएगा, तो यहां से H+ जब सॉल्व करेंगे आप तो ऐसा आएगा H+ का पावर में 4 इज इक्वल टू 10^-4, समझ सकते हैं आप ऐसा, तो यहां से H+ का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो ये 4 को यहां डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 10^-1। और आपको पता है कि pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH कैसे निकालते बताइए, माइनस में log बेस में कितना 10, और यहां लिख देते हैं H+ का कंसंट्रेशन। सो यहां से अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो बताइए कितना लिख सकते हैं इसको, यहां रखिए H+ के जगह पे कितना रखेंगे, 10^-1, तो ये -1 जो पावर में है वो चला जाएगा इधर इनटू में -1, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और log 10 बेस 10 कितना 1 हो जाएगा, सो pH का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्वेश्चन बोलता है इसको x मान लो, तो यहां पर x का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ गया ये वाला। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा एकदम ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस चीज का था, नर्स्ट इक्वेशन का। सो नर्स्ट इक्वेशन हमको लगाना है, जो कंडीशन दिया है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देना है, लॉग क्यू यहाँ जीरो हो जा रहा है, तो लॉग जीरो होता है जब क्यू वन हो जाता है, और क्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कोफिशियंट पावर में चला जाएगा,
और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन और सबको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर डालते रहेंगे कोफिशिएंट के हिसाब से, और जो गैस है, गैस को यहाँ पर प्रेशर जो गैस का है उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ना। देखिए जरा समझते हैं क्या है। बोलता है इन एन एक्वस सॉल्यूशन द आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट फॉर कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक मतलब ये है H2CO3। ये बोलता है कि K1 जो है वो 10 का पावर माइनस 7 है और जो K2 है वो है 10 का पावर माइनस 11। इसका क्या मतलब होता है? इसका K1 K2 का मतलब ये है कि जो H2CO3 है जब ये टूटेगा तो दो स्टेप में टूटेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो जिसके जिस एसिड के अंदर जितना हाइड्रोजन होता है उतने स्टेप में वो टूटता है। जैसे HCl है तो कितने स्टेप में टूटेगा? एक में, क्योंकि एक ही H प्लस है। अगर H2SO4 है तो कितने स्टेप में टूटेगा? दो स्टेप में, क्योंकि दो H प्लस है। अगर H3PO4 दे देता तो कितने स्टेप में टूटता? तीन स्टेप में। क्यों? चूंकि वहां पर तीन हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से हम लोग H2CO3 को कितने स्टेप में तोड़ेंगे? दो स्टेप में। तो एक स्टेप में एक हाइड्रोजन निकालना है। तो सोचिए ना, ये वाला ये पूरा न्यूट्रल है तो यहाँ प्लस है, तो क्या बचा? दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बच गया और CO3 बच गया, और प्लस यहाँ है तो यहाँ माइनस होगा तभी ना न्यूट्रल हो पाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? तो ये जो है इसमें भी हाइड्रोजन है तो अब एक हाइड्रोजन और निकलेगा, तो यहां से आपका बन गया क्या? ये इक्विलिब्रियम का साइन है यहाँ पर, तो ये बन गया आपका एक हाइड्रोजन और निकलेगा और प्लस में क्या आ जाएगा? CO3 2 माइनस हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका K1 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और इसका K2 दिया हुआ है। अब जरा देखते हैं बात क्या है। देखिए होता क्या है ना कि K1 और K2 के वैल्यू के आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर इनमें से कौन सा रिएक्शन ज्यादा होगा, कौन सा रिएक्शन कम होगा। जिसका K ज्यादा होता है उसका रिएक्शन ज्यादा होता है। ये बेसिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ज्यादा है इसका मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा बना है, रिएक्शन ज्यादा आगे की तरफ गया है, तो उस रिएक्शन को ज्यादा कराएंगे। और जिसका K कम है उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। देखिए जरा सा यहाँ पे पावर में कितना है? 10 का पावर माइनस 7, यहाँ पे 10 का पावर माइनस 11, दोनों में कितने का फर्क है? इसमें फर्क है 10,000 गुना का फर्क है। पावर कितना है दोनों के बीच के? पावर का डिफरेंस कितना है? 10 का पावर 4, जिसको हम लोग 10,000 बोलेंगे। मतलब अगर ये एक है तो ये कितना है? 10,000 गुना है। ये समझ रहे हैं आप कितना बड़ा वैल्यू है? ये दो एक के रेस्पेक्ट में 10,000 तो बहुत बड़ा वैल्यू होता है ना। आप सोचिए ना, कोई आपको 1 रुपया देगा और कोई आपको 10,000 देगा, तो 1 रुपया में तो आप सोचने लगेंगे, 10,000 में तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, एकदम चुपके से लेंगे और पॉकेट में रख लेंगे और फिर तो ऐश मौज अपना करते रहेंगे। खैर तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ना ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो सेकेंड रिएक्शन है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो ये रिएक्शन हो गया इग्नोर। क्या हो गया? इग्नोर हो गया। तो अगर ये इग्नोर हो गया इसका मतलब कि यहां से आने वाला एच प्लस को आप खत्म कर दीजिए, मानिए कि आया ही नहीं। अब सोचिए ना, अगर कोई आपसे बोले कि 1 करोड़ रुपए में 1 रुपया जोड़ दो, तो आप क्या बोलेंगे? उसमें जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। 1 करोड़ 1 रुपया होके भी कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी हो गया। जैसे हम अगर अक्सर ही एग्जाम्पल देते हैं कि समुद्र से अगर 1 लोटा पानी निकाल ले तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी कि पूरा समुद्र खाली हो जाएगा। कोई सनकी आदमी अगर हो और जो बोले कि हमको समुद्र से पानी खाली करना है लोटा से बाल्टी से, तो सनकी ही रहेगा ना, जिंदगी भर सनकी ही रहेगा, खाली हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यही है ना कि अगर आपके पास 10,000 है और 1 है तो आप 1 को निग्लेक्ट कर दे। मान ले कि है ही नहीं वो, है ना, 10,000 है, तो इसलिए हम मानेंगे कि यहां से एच प्लस नहीं आएगा और यहां से CO3 2- भी बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत कम। समझ गए? बहुत कम मतलब बहुत कम आएगा, समझ गए? तो अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हो रहा है, और जब ये रिएक्शन होगा तो इसका जब 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये हम एग्जैक्ट बराबर नहीं बोल सकते। बोलिए क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि ये वाला इसके लगभग बराबर है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत वैल्यू तो आ ही जाएगा। जैसे आपसे कोई बोले कि 10,000 और 10,001,
आपस में बराबर है कि लगभग बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, लगभग बराबर है। तो इस H प्लस को हम नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही जाएगा। तो ये अगर 1 मोल है तो ये इससे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आपस में लगभग बराबर होगा। तो हमको ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे चूज कर लेना है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस है और जो एच सी ओ थ्री माइनस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि बच्चे ये वाला रिएक्शन फट से लिख देंगे, ऐसा एच टू सी ओ थ्री देगा और यहाँ पर ये रिएक्शन आप लिख दीजिएगा 2H+ और CO3 2-, ऐसा लिख देंगे। और इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल और इसका कितना 1 मोल, ये बिल्कुल गलत है। बोलिए क्यों, क्योंकि ये इस तरह से टूटेगा ही नहीं, इस तरह से नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ये वीक एसिड है और वीक एसिड कभी भी पूरा पूरा नहीं टूटता, वो हमेशा बहुत कम टूटता है। इसलिए ये तो कभी ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा ही नहीं आपको, इसलिए ये वाला चीज नहीं समझेंगे कि H प्लस का अमाउंट डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। इसको ब्लंडर बोलते हैं, ब्लंडर है ना, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो ए नहीं होगा, यहाँ पर आंसर डी होगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ ब्रीफ में आपको कि ये वाली वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा है, तो ये वाला प्रोसेस यहाँ निगलेक्ट हो जाएगा। सो हमको पहला वाला प्रोसेस ही हमेशा कराना है और उससे जो आएगा उसी को कंसीडर करना है। सो सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सो एच प्लस लगभग इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि हम लोग ऐसा हम लोग समझ चुके हैं। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। सो ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। सो अब हम लोग 7वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक से है। इसमें आपको ली शैटलियर प्रिंसिपल लगाना है, जिसको लोग देहाती भाषा में ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं, कुछ लोग इसको लिचर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो हम लोग उसके नामकरण में नहीं जाएंगे, आपको जैसा बोलना है वैसा बोल लीजिए, बट क्वेश्चन को बना लीजिए। बोलता है कि सुटेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझना होगा, इसमें 2 चीज, टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट। यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर क्या है आपका, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आइस के मेल्टिंग का बात कर रहा है। तो आइस मतलब क्या हो गया कि वो H2O का सॉलिड फॉर्म है और वहां वो इक्विलिब्रियम में है, किसमें, किसके साथ है बताइए, ये वाटर में जा रहा है। आप सोचिए ना, आइस जब मेल्ट करता है, जब बर्फ पिघलता है तो क्या मिलता है, पानी ही तो मिलता है। तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, बर्फ पिघल रहा है ना। और जो पानी है तो पानी को क्या बोलते हैं, जम रहा है, तो पानी फ्रीज हो रहा है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इधर का जो सब्सटेंस है वो भी H2O है, इधर का भी जो सब्सटेंस है वो भी H2O है, दोनों के कंपोनेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इधर का जो प्रोसेस है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड मतलब आइस से किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, तो इसको हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे, मेल्टिंग। और इसको हम लोग फ्रीजिंग बोल देंगे, इसको बोल देंगे फ्रीजिंग, जो बैकवर्ड वाला है। तो अब देखिए, एक चीज आप दिमाग में रखिए कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हमेशा याद रखेंगे, एंडोथर्मिक कौन सा प्रोसेस, जिसमें एनर्जी लग रहा हो, जिसमें हीट हमको देना पड़ता हो, जिसमें हमको एनर्जी दे रहे हो। तो जिस भी प्रोसेस में अगर हीट देना पड़े उसको हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर प्रोसेस में हीट लग रहा हो, है ना, वो उसको यूज कर पा रहा हो हीट को, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। उसी तरह से अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे, उसी तरह से जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हम लेस वॉल्यूम के तरफ जाते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में और आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये डिफरेंस हो जाता है कि जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर को बढ़ाते थे तो वहां लेस नंबर ऑफ मोल्स के तरफ जाते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि मोल्स तो दोनों का सेम है ना, देखिए यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 ही मोल है, इसलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पर किस में जाना है, लेस वॉल्यूम के अंदर जाना है। सो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो किस में जाएंगे, लेस वॉल्यूम। और इसको आप कैसे समझ सकते हैं, सोचिए ना, अगर आप किसी चीज को दबा रहे हैं, अगर आप किसी चीज को प्रेस कीजिएगा तो क्या होना चाहेगा, वो अपने आप को सिकोड़ना चाहेगा, मतलब अपने आप को लेस वॉल्यूम के तरफ ले जाना चाहेगा। तो जब भी वो लेस वॉल्यूम के तरफ जाएगा तो आप समझ जाइए कि प्रेशर को हाई रखा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर हाई है तो किधर जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम फेवर करवा देंगे, फेवरेबल मतलब कि वो प्रोसेस हो रहा है। और अगर प्रेशर अगर हाई है,
तो इसका मतलब कि वो लेस वॉल्यूम के तरफ जा रहा है। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा। हमको मेल्टिंग को कराना है, इसका मतलब हमको फॉरवर्ड रिएक्शन को कराना है। अब जरा सोचिए, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कीजिएगा, हीट दीजिएगा कि हीट लीजिएगा, बताइए। अगर हमको बर्फ को पिघालना है तो क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म मतलब कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया, इसका मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका एंडोथर्मिक है। और अगर ये एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन कहाँ पे होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, है ना, इसको दिमाग में रखेंगे। अब देखिए दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आइस के केस में, अब बताइए ये चूंकि सॉलिड है और ये आपका है लिक्विड, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है कि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, सॉलिड का लिक्विड कम होता है ना। अगर हम सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करें तो सॉलिड का वॉल्यूम कम होगा कि लिक्विड का कम होगा। सॉलिड को मानते हैं कि सॉलिड बहुत सिकुड़ के रखता है, फोर्स बहुत ज्यादा है तो आपस में बंधा रहेगा, लिक्विड थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम कम है लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये जनरली ऐसा होता है कि जनरली जो सॉलिड्स होते हैं ना उसका वॉल्यूम कम होता है और जो लिक्विड होता है उसका उसके सॉलिड से वॉल्यूम ज्यादा होता है। लेकिन आइस के केस में उल्टा होता है, आइस के केस में क्या होता है कि ये चूंकि आइस है तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये वॉल्यूम मोर वॉल्यूम होता है, क्या होता है ये मोर वॉल्यूम, और ये यहां पर लेस वॉल्यूम होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइस के केस में स्पेशल चीज होता है, ध्यान रखिएगा, और इसको आप डेंसिटी से समझ सकते हैं। देखिए अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बटा क्या, वॉल्यूम। तो सोचिए अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप सोचिए ना, अगर पानी है आपके पास, जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग कोका कोला पीते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइस क्यूब्स डालते हैं। अगर कोई अगर पियाक अगर आपके सामने होगा अगर, तो आप उससे पूछिएगा कि वो दारू के अंदर क्या मिलाता है, तो वो बर्फ मिलाता है। तो आप जरा देखिए कि बर्फ नीचे चला जाता है कि ऊपर छैला जाता है, तो बर्फ हमेशा ऊपर छैलाता है। इसका क्या मतलब है कि उसका वॉल्यूम जो है, मतलब उसका जो डेंसिटी है किसका, आइस का, आइस का डेंसिटी कम हो गया, इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। देखिए यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा। तो यही चीज आपको बताना है कि आइस का जो वॉल्यूम है वो आपका मोर वॉल्यूम है और वाटर का जो वॉल्यूम है वो आपका लेस वॉल्यूम है। इसके मतलब हो गया कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर जाएंगे, लेस वॉल्यूम के तरफ। इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, मोर से लेस के तरफ, मतलब वो मेल्टिंग के तरफ जाएगा। और चूंकि प्रेशर बढ़ाने पे जा रहा है, इसका मतलब कि हाई प्रेशर पे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आइस के मेल्टिंग के लिए बेस्ट कंडीशन क्या है, सुटेबल कंडीशन क्या है, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वो उसका सुटेबल कंडीशन हो जाएगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको इस पे कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आपको आइस का जो स्पेशल केस है आप हमेशा एग्जाम्पल के रूप में याद रखिए, रियल एग्जाम्पल लीजिए। अगर पानी पीते हैं तो पानी का एग्जाम्पल, अगर आप कोका कोला पीते हैं तो कोका कोला का, अगर आप दारू पीते हैं तो भी आपका चलेगा, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट एग्जाम्पल को दिमाग में रखेंगे जरूर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो ये हमारा सातवां क्वेश्चन हो जाता है, इसके अंदर हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोलता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो 500 केल्विन है, हाफ लाइफ पीरियड बोलता है किसी गैसियस रिएक्शन का इनिशियल प्रेशर कितना है, 80 है, मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है आपका, कितना हाफ लाइफ है, 350, और प्रेशर कितना है, तो 80। तो बोलता है कि जब इसी प्रेशर को अगर 40 कर दिया जाए, मतलब 80 की जगह 40 कर दे, तो बोलता है कि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना हो गया, 175 हो गया, है ना। तो इतना आपको डेटा दिया हुआ है, बोलता है ऑर्डर निकालिए। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का आपका टॉपिक हो गया, उस केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक से हम लोग इसको रिलेट करेंगे और वहां से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। बट इससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। देखिए हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है तो आपको हाफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसे अगर जीरो ऑर्डर का अगर हाफ लाइफ अगर आपको याद हो, तो अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन ए होता है तो हम लोग लिखते हैं ए बाई टू के लिख देते हैं, जहां के क्या है, रेट कांस्टेंट, ये क्या है, हाफ लाइफ है, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग का। और गैस के केस में यही आपका इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर। तो आप देख सकते हैं हाफ लाइफ ये कब होगा, जीरो ऑर्डर में,
ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको याद होगा। अगर नहीं होगा तो आप फॉर्मूला जरूर याद कर लिया कीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला के तो क्वेश्चन बनाना पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग अगर फर्स्ट ऑर्डर को कंसीडर करें, अगर तो फर्स्ट ऑर्डर को आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑर्डर का होता है कितना, ln 2 by k। इसका मतलब इसके अंदर इनिशियल कंसेंट्रेशन है ही नहीं, तो वो तो हमने बताया भी था आपको क्वेश्चन में कि इनिशियल कंसेंट्रेशन से इसको कोई लेना देना नहीं, आप 100 लो 1000 लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर सेकेंड ऑर्डर का आपको याद हो तो सेकेंड ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो होता है 1 by ka। मतलब यहां पर देखिए a है लेकिन वो नीचे है, तो अब t हाफ का एक जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है कि जो t हाफ है, आप देखिए हर जगह यहाँ k है, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, तो k तो कांस्टेंट मान लीजिए, और a जो है ना उसको हम ऐसा लिखते हैं कि a का पावर 1 - n। देखिए समझिए जरा सा कि हाफ लाइफ यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, a के प्रोपोर्शनल है जिसका पावर कितना 1 है, तो इसको 1 - 0 लिख सकते कि नहीं बताइए, 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, a के इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं इनटू a और 1 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ जो 1 by k है उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो -1, और -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 लिख सकते हैं। तो आप जरा देखिए, ध्यान से देखिए कि जब जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पर कितना हुआ 1 - 0, जब फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 - 1, जब सेकेंड ऑर्डर है तो 1 - 2। तो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं टी हाफ का, टी हाफ इज जो होता है टी हाफ मतलब हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या, इनिशियल कंसेंट्रेशन या प्रेशर और पावर में कितना 1 - n, जहां n क्या है ऑर्डर है, n क्या है ऑर्डर है। तो अब हम लोग आते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, देखिए तो हम लोग लिखेंगे टी हाफ प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे कितना a मतलब स्टार्टिंग का प्रेशर भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं ना, स्टार्टिंग का प्रेशर मान लीजिए पी नॉट लिख दीजिए, और उसका पावर कितना 1 - n लिख दीजिए। अब क्या करेंगे टी हाफ को, अब क्या करेंगे यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लीजिए आप, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनल करा दीजिए, मान लीजिए कॉन्स्टेंट एम हो गया, इंटू में क्या कर देंगे पी नॉट का पावर में कितना लिख देंगे 1 - n लिख देंगे। अब देखिए ऑर्डर तो किसी रिएक्शन का चेंज होगा नहीं, और ये कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो एक बार वैल्यू ये वाला डाल देंगे हाफ लाइफ का 350, और प्रेशर कितना डाल देंगे 80 डाल देंगे, एक बार वैल्यू डाल देंगे 175 और प्रेशर कितना 80 डाल देंगे, तो आंसर आ जाएगा। देखिए आप एक बार वैल्यू डालिए कितना बताइए 350, तो यहां पर डालेंगे प्रेशर का वैल्यू कितना 80, अब पावर में कितना 1 - n, इसको डालेंगे 175 और यहाँ पे कितना डालेंगे 40, पावर में कितना 1 - n। अब दोनों को भाग लगा दीजिए, तो देखिए ये 350 175 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 80, और बटा में देखिए पावर सेम है ना, तो दोनों आप सेम हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से इतना मुझे उम्मीद है आपको आता है ना। तो ये 80/40 हो गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे पावर कितना ऐसा हो गया। तो अगर आपके पास ऐसा कोई रिलेशन है 2 का पावर 1 = 2 का पावर 1 - n, तो इसका क्या मतलब, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो 1 = 1 - n, तो इसका मतलब है कि n बराबर कितना 0, इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। देखिए ये सब क्वेश्चन में ना कुछ नहीं है, अगर आपको हम बैकग्राउंड के साथ समझाते लाए हैं तब इतना समय लगा है, नहीं तो अगर कोई बच्चा अगर फॉर्मूला अगर याद किए हुए है तो उसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, एकदम गर्दा उड़ा के बना देगा वो, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो उसी का गर्दा उड़ जाएगा। सो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि इस तरह से हमको टैकल करना है ऐसे क्वेश्चन को, थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना है, तो ये वाला फॉर्मूला को थोड़ा सा दिमाग में आप रख लीजिएगा, आगे के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेम्बर कर लेंगे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद करते चलेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका मूल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, इसके अंदर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको देखते हैं जरा सा। ये क्वेश्चन काफी लेंदी है, सो ये जेई मेन के लिहाज से सवाल नहीं है, ये जेई एडवांस में पूछे जाने के इसके काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या है। बोलता है क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट है, बोलता है हीट करने पर वो इतना परसेंट लूज कर दे रहा है,
और परसेंटेज कॉम्पोजिशन एनहाइड्रस सॉल्ट का दिया हुआ है जिसमें एल्यूमिनियम इतना है, पोटेशियम इतना है, सल्फर आपका दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। मोलिकुलर फॉर्मूला हाइड्रेटेड सॉल्ट का आपका 948 ग्राम पर मोल हाइड्रेटेड सॉल्ट का दिया हुआ है। सो ये डेटा आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अब देखिए, आप सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है और एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है Na2SO4 और डॉट मान लीजिए 10H2O दिया हुआ है, तो पहले तो ये समझ ली, तो ये जो सॉल्ट हुआ इसमें वाटर लगा हुआ है तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। और जब इसको गर्म करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये वाला पानी यहाँ से लूज हो जाएगा, वाटर वहां से, सोचिए ना कोई भी गीला चीज को जब गर्म करते हैं तो जो वाटर है वेपराइज होकर बाहर चला जाएगा, तो निकल जाएगा, तो उसका अगर मास देखा जाए तो वो मास जो है ना आपका रिलीज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिर्फ 100 ग्राम था पूरा, अगर मान लीजिए गीला है कपड़ा 100 ग्राम का है, उसमें 10 ग्राम पानी है, तो गर्म करें तो 10 ग्राम पानी का लॉस हो जाएगा, तो 10% का लॉस हो गया। तो जो लॉस होता है वो हमेशा वाटर का होता है, दिमाग में रखेंगे। तो ये जो परसेंटेज यहाँ दिया है ना, आप इसको नोट कर लीजिए कि ये जो परसेंटेज है वो किस चीज का है, तो ये वाटर का परसेंटेज है कि पूरे सब्सटेंस के अंदर कितना परसेंट वाटर है, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब देखिए, जो वाटर के लॉस के बाद जो चीज बनता है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनहाइड्रस। तो इसका मतलब क्या, देखिए आपके पास एक ऐसा दिया हुआ है आपको ये, कि मान लीजिए आपके पास के है, एल है, एस है और ओ है। तो सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, देखिए 10.5 दिया हुआ है ना, 10.5, 15.1, 10.5 दिया हुआ है, 15.1 दिया हुआ है, 24.8 दिया हुआ है, 49.6 दिया हुआ है। देखिए 24.8 और 49.6 दिया हुआ है। अब जरा देखिए, अब करते क्या ना, सबसे पहले हमको इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, क्या करना होता है, जो परसेंटेज देता है ना उसको आप मान लीजिए मास, और मास से ना आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जो परसेंटेज है वो हो गया मास, और मास को ना कन्वर्ट कर लीजिए मोल के अंदर। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला कि जो भी परसेंटेज में मास देता है ना उस परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मोल के अंदर। तो यहाँ पर जो मास है ना उसको मोल के अंदर कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे इसके मोलर मास से भाग लगा लेंगे। तो पोटेशियम का मोलर मास हो गया कितना बताइए, 39। सॉरी, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो है आपका पोटेशियम का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 27 से भाग लगाएंगे, है ना, कितना से लगाएंगे, 27 से। क्यों, देखिए यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का 10.5 है और यहाँ पर आपका पोटेशियम का 15.1 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एल्यूमिनियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब देखिए 15.1 है और इसको भाग लगा देंगे कितने से, इसके मोलर मास से, कितना होता है 39। सल्फर का मोलर मास कितना हो गया 32। यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया 16। यहाँ पर 32 नहीं लेना है, क्यों, चूंकि हम O2 की बात नहीं कर रहे, O की बात कर रहे हैं। तो ये ना मोल आ गया। अब मोल जब वैल्यू निकालेंगे, इसको भाग लगा लेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, देखिए 10.5 बटा में 27, ये आता है आपका 0.39। ये वैल्यू भी आएगा 0.39, ये वैल्यू आएगा 0.78 और ये वैल्यू आ रहा है आपका 3.1, है ना। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये ना मोल आ गया आपका। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत बेसिक चीज होता है जो आपने मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ा होगा। अब करते क्या है कि जो सबसे छोटा वाला मोल आया ना उससे क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं। तो ये सबसे छोटा मोल है तो इससे इसी को डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। इससे इसी को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसको इससे डिवाइड करें क्योंकि छोटा वाला को मतलब लेना है और उससे सबको डिवाइड कर देना, तो ये 39 है और 78 है तो एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। और ये 3.1 जो है ना वो 7.99 के आसपास आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली 8 मान लेंगे। तो अब ये जो चीज आ गया ना, ये संख्या आ गया, किस चीज का मोल आ गया, एकदम एकदम एग्जैक्ट नंबर्स में आ गया। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा, जैसे क्या आएगा, एल्यूमिनियम कितना लेना है, 1 लेना है, पोटेशियम कितना लेना है, 1 लेना है, सल्फर कितना लेना है, 2 लेना है, और ऑक्सीजन कितना लेना है, 8 लेना है। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला आया, जिसको हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि C6H6 है, तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकालिए, तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल फॉर्म लिख देंगे, तो 6 हटा देंगे तो CH आ गया। तो अब इससे इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला तो अब आ गया। अब क्या करेंगे, इस इंपीरिकल फॉर्मूला का मास निकाल देंगे।
क्यों ऐसा? क्योंकि हमको ना देखिए यहाँ पर एमपी मोलर मास दिया हुआ है, पूरे कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ है, फॉर्मूला निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस पूरे का, चूंकि हमको इसका ना देखिए इसका आपको फॉर्मूला पता चल गया कि एक एल्यूमिनियम है, एक पोटेशियम है, दो सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है, तो इसका पूरे का मास निकालिए। तो क्या करेंगे, तो एल्यूमिनियम का लेंगे 27, पोटेशियम का लेंगे कितना 39, सल्फर का लेंगे कितना बताइए, सल्फर का लेंगे 64 और ऑक्सीजन का ले लेंगे कितना 16 × 8 जो कि आ जाएगा आपका 128 और इन सबको जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 258 है ना। ये आपका आ गया एम्पिरिकल का मास आ गया 258। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या Al हो गया, K हो गया, H2 हो गया, O8 हो गया। अब ये ना एक फॉर्म हो गया आपका, अब इसके साथ ना कुछ वाटर लगेगा। यहां पर कितना से गुना होगा अभी नहीं पता, ये वाला नंबर नहीं पता, यहां पर क्या नंबर आने वाला है और यहाँ H2O में कितना नंबर यहाँ पे आने वाला है ये भी अभी नहीं पता है। तो हमको इसका संख्या भी निकालना है, इसका संख्या भी निकालना है। देखिए लेकिन एक चीज पता है हमको, क्या पता है देखिए, इसको समझिए ऐसे कि मान लीजिए आपके पास दो चीज है, एक है ए और एक है बी। अगर दोनों मान लीजिए मिला के बोले तो क्या बोलेंगे 100%। तो अगर ए का बोले कि 60% है आपके पास तो बी कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि ए मान लीजिए कि ये वाला पूरा ए है, ये क्या है पूरा ए है और वाटर जो है उसको पूरा मान लीजिए कितना बी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है स्टार्टिंग में बताइए, स्टार्टिंग में बोला है ना कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है मेरा, मतलब जो पानी से लगा हुआ सॉल्ट है उसको लूज कर रहा है कितना 45.6% लूज कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसमें वाटर जो है ना वो आपका दे दिया कितना परसेंट, मतलब आप समझिए ए हम इसको मान रहे हैं, इसको ए और बी मान रहे हैं किसको वाटर को, है ना। तो इसका मतलब कि जो वाटर हो गया आपका, वाटर हो गया आपका कितना 45. कितना परसेंट हो गया 6% हो गया। तो जो ये वाला जो चीज हो गया आपका Al के H2O8 ये कितना परसेंट हो जाएगा बताइए, जो कि दोनों मिलाकर यहां बताए ना अगर A और B दोनों है, एक 60 है तो दूसरा 40 होगा, तो एक अगर इतना है तो दूसरा कितना हो जाएगा 54. यहां पर 4% हो जाएगा। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हम लोग इसको निकाल चुके हैं, बहुत सिंपल तरीके से निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये आ गया, अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा बोले कि ए का 60% है और इसका वैल्यू है 36, तो बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ऐसे कर देंगे कि 60 अगर 36 के बराबर है तो एक कितने के बराबर है, तो लिखेंगे 36/60 और उसके बाद लिखेंगे 40 जो हो गया आपका वो कितने के बराबर हो गया, तो लिखेंगे 36/60 × 40। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आएगा आप यहां पे निकाल सकते हैं। तो उसी तरह सोचिए कि इसका मास हम लोग निकाल चुके हैं 258, है ना। पीछे में देखिए आप, यहां पर हम लोग इसका मास यहां पे 258 निकाल चुके हैं। सो ये अगर 258 आ चुका है और वाटर का मास अगर निकालना है तो सोचिए ये 54.4% है 258 के बराबर, तो 45.6% कितना होगा, ये लॉजिक लगाइए ना। देखिए 60% अगर 36 के बराबर था तो 36/60 कर दिए तो 40% कितने के बराबर होगा, तो गुना कर दिए। तो उसी तरह से वाटर का मास निकाल लीजिए कि आखिर इसमें वाटर का मास कितना है। तो कैसे निकालेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर कितना, ये 54.4% जो है, ऐसा आप लिख सकते हैं कि 54.4% जो है वो बराबर है कितने के बताइए, 258 के बराबर है। तो जो एक होगा वो कितने के बराबर होगा, 258/ कितना 54.4% के बराबर। तो बताइए 45.6% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 258/ कितना 54.4 × यहाँ लिख देंगे 45.6 और ये वैल्यू निकालेंगे तो आएगा लगभग कितना आएगा 216। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं के एल एस टू ओ एट और यहाँ पे वाटर, तो ये इसका मास है 258 और इसका मास है 216। अब इस वाटर का मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो अगर 216 है तो वाटर का मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 18 से भाग लगा लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा लगभग 12। इसका मतलब ये 12 मोल आ गया आपका वाटर का, है ना। तो यहाँ पे आप 12H2O लिख दीजिए। ये हो गया आपका, मतलब आपका ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग निकाल लिए कि ये मेरा सॉल्ट हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट, लेकिन
ये अभी एक्चुअल सॉल्ट नहीं आया है, ध्यान देंगे क्यों, क्योंकि इस सॉल्ट का मास अगर ऐड करेंगे, इस सॉल्ट का मास अगर ऐड करेंगे तो आएगा 258 प्लस में 216, जोड़ेंगे इसको कितना आ जाएगा 6, तो आ गया यहां पर 4, 5 और 6 7 और ये 4, मतलब 474 आ गया। इसका मतलब ये सॉल्ट अगर होता हमारे पास तो इसका मास आता कितना बताइए, 474 आता, लेकिन एक्चुअल मास कितना है बताइए, 948। इसका मतलब कि अब आप समझिए, यहां पर हमने बताया था आपको यहां पर कि अगर इसको हमको दे दे ये वाला कि इसका मास अगर कितना हो गया 12 प्लस 1 13 है ना, तो अगर इससे इसमें जाना हो तो कैसे जाएंगे बताइए, तो 12 6 72 और प्लस 6 कितना 78, तो कैसे करेंगे तो 13 इंटू 6 कर देंगे और ये चला जाएगा 78। और 6 क्या है, वो वही है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, इसको दिमाग में रखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन हो जाता है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो गया आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसा। तो देखिए ये जो एन है ना, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास उसको हम लोग ऐसा लिख देंगे एन इनटू एम्पिरिकल मास है ना, एम्पिरिकल मास। और एम्पिरिकल मास देखिए यहां से जो मास आया है वो हमारा हो गया कितना 474, तो हम लोग अब यहां से वैल्यू निकालेंगे कितना 2, अगर हम देखें यहां पर कितना आ गया 948 लिख दीजिए, 948 इज इक्वल टू यहां लिख देंगे n और इसको लिख देंगे 474 और यहां से n का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये एग्जैक्टली दो बार में कट जाएगा। सो ये दो बार में कट गया और यहां से जब ये दो बार में कट जाएगा तो यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगा क्या, इस पूरे सॉल्ट को कितना से गुना कर देना है, तो 2 से गुना कर देना। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए अगर CH है आपके पास और CH से अगर C6H6 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस CH को 6 से ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, और मास को करना हो तो कैसे करेंगे, तो 13 यहाँ पे है और यहाँ पे 78 है, तो इसका मतलब 13 इंटू क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे करने की कोशिश की गई है, देखिए 258 प्लस 216 कर दिए, जोड़ दिए तो आ गया 474, लेकिन एक्चुअल मास इसका कितना दिया हुआ है, 4948 दिया हुआ है। तो ये जो मास है ना, आप समझिए कि ये वाला मास और ये वाले मास को जब हम डिवाइड करेंगे ऐसा, तो हमको वैल्यू आएगा 2, इसका मतलब जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे को, तो आंसर क्या होगा, K2Al2, देखिए K2Al2 यहाँ पर आप सर्च कीजिए K2Al2, उसके बाद आपके पास आता है क्या बताइए, यहाँ पर आ गया 4 सल्फर आएगा है ना, और आपके पास आएगा कितना 16 ऑक्सीजन आएगा, तो SO4 मतलब 4 सल्फर, देखिए K2 आएगा, Al2 भी आएगा और 4 सल्फर आएगा और 16 ऑक्सीजन, मतलब SO4 का कितना यूनिट आ जाएगा, SO4 का यहाँ पर 4 यूनिट आ जाएगा है ना, और वाटर कितना होगा 24, तो पहले तो आप ये सब हटा दीजिए तो यहीं से आंसर मिल जाता है आपको, है कि नहीं, देखिए 3 और सल्फर यहाँ सल्फेट हो गया और एक सल्फेट यहाँ हो गया, तो लिखेंगे K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट में कितना 24H2O, ये हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत पता नहीं मुझे ये क्यों डाला गया है उसके इस टेस्ट के अंदर, क्योंकि अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको जेईई मेन के अंदर मिल जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छेड़ना नहीं, क्योंकि आप बना भी लेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को एकदम जो है ना हाथ जोड़ के निकल जाना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। एडवांस के अंदर आएगा तो हम इसको बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे है ना, इस तरह का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन और इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो इसको जरा एक बार और हम लोग अच्छे से ब्रीफली समझ लेते हैं, क्या है कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट था, उसको हीट किए, पानी उड़ गया है ना, अब उसके बाद कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, तो उस कॉम्पोजिशन से पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, उसमें सबसे छोटा मोल है तो उससे रेशियो आ गया, तो उससे हमको क्या आया, वो सॉल्ट का ना, कौन सा सॉल्ट, जो पानी के बिना वाला सॉल्ट है उसका हमको आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया तो उसका मास निकाल लिए। अब ये जो मास है वो कुछ परसेंटेज है इसका है ना, तो परसेंटेज हमको इसका पता है, तो वाटर का परसेंटेज आ गया है ना, वहां से वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है क्योंकि वो लूज किया है उतना, तो जो लूज हुआ वो वाटर का हुआ, तो उससे इसका परसेंटेज आया, इसका मास पता, इसका परसेंटेज पता, तो इसका मास निकालेंगे पानी का, और पानी का मास जब निकाले तो कितना आया, तो वाटर का मास आया 216, देखिए यहाँ पे वाटर का मास आ गया 216, वाटर के मास को कन्वर्ट करें मोल में तो लगभग 12 मोल आ जाएगा, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई,
तो हमको ये वाला फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर। अब क्या है, चूंकि इस पूरे को जोड़ने के बाद भी वैल्यू जो है वो 474 आ रहा है, लेकिन बोल रहा है कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है उसका मास आ रहा है 948, तो ये तभी आएगा ना जब इसको हम कितने से गुना करेंगे, इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो पूरे मॉलिक्यूल को 2 से गुना करना पड़ेगा, वहां से फिर आप ऐसा करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो हमने आज काफी क्वेश्चंस किए हैं और काफी कॉन्सेप्ट्स के आधार पे इसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है अगर आप, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन सब चीजों को समझना होगा। देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, इन सब का एक बहुत ही रेडीमेड तरीका होता है। स्टेप वन में मोल निकालिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इस तरह से करते चलते जाना है, कोई इसमें कोई वो नहीं होता है। आपको तरीका पता है तो आप बना लीजिएगा, अगर आपको थोड़े भी डिफिकल्टी होता है तो आप मुझे बताइए, मैं इस क्वेश्चन को आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बट बहुत ही सिंपल है ये, कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, और थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा इत्मीनान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस यही चीज है और बाकी कुछ नहीं है। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ना शेयर करने की कोशिश करें। सो जितना ज्यादा आप प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहेगा और हमारा एफर्ट भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। सो थैंक यू गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट।